हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर 7, दैट इज़ लिविंग ऑफ एनिमल्स। तो बच्चों, आज हमने एनिमल्स की बारे में हम पढ़ रहे थे और आज हमने डिफरेंट एनिमल्स की हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, डिफरेंट एनिमल्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम को, फीडिंग हैबिट को, मूवमेंट को, कैसे वो चलते हैं और कैसे स्पेशल उन्होंने वेपन्स अपना लिए हैं, वेपन्स होते हैं हथियार, कैसे वो अपने साइज को बढ़ा करके दूसरों को डरा सकते हैं, जैसे पफिंग टोड। वेपन्स से हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं वेपन्स क्या होते हैं, हथियार। तो यहाँ पर कोई गोली बारूद या फिर गन वगैरह की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर जो नेचर ने जीवों को, जंतुओं को, एनिमल्स को स्पेशल चीज़ें दी हैं जो एक हथियार के रूप में वो प्रयोग करते हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल। तो बच्चों, फर्स्ट इज स्नेक। स्नेक हैव पॉइजन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। देखो, सांप है, सांप को कोई भी आसानी से पकड़कर मार सकता है। उससे हम डरते क्यों हैं? क्योंकि वो पॉइजनस होता है, पॉइजन होता है जहर। अगर हम उसे पकड़ेंगे तो वो हमारे अंदर जहर डाल देगा। इसी वजह से एक सिंपल छोटे से प्राणी से हम डरते हैं। तो कहा जा सकता है कि पॉइजन क्या करता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है। अगर बात की जाए टाइगर की, टाइगर भी हम अपने घरों में टाइगर को एज अ पेट पालना शुरू कर देंगे अगर वो उसके शार्प दांत ना हो। ये उसके शार्प दांत ही हैं और उसका मांसाहारी खाना ही है, जिसकी वजह से हम उससे दूर भागते हैं। डियर हैज़ एंटलर्स। तो एंटलर्स होते हैं जो 12 सिंगा के सींग होते हैं, बहुत ही तीखे होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, जिसके कारण यह किसी भी प्राणी को मिनटों में भगा सकता है। राइनोसोर्स है पॉइंटेड हॉर्न। तो राइनोसोर्स कहाँ से काम करता है? इसका जो आगे नाक की तरफ ये हॉर्न, मतलब सींग है, ये इसको मदद करता है किसी भी प्राणी को बाहर भगाने में और उसको इंजर्ड करने में, उसको चोट पहुँचाने में। टोर्टोइज एंड स्नेल्स हैव प्रोटेक्टिव कवरिंग टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। जैसे आप शुरू से कछुए का देखते हो, कछुए के पास कोई भी शिकारी आता है तो अपने आप को इस जो शैल होता है, शैल मतलब ये कवच, इसके अंदर छिपा लेता है। तो इसी तरह से ये स्नेल, जिसे हम घोंगा भी कहते हैं, यह भी अपने आप को इस कवच में छुपा लेता है। तो दोनों को क्या मिलती है? प्रोटेक्शन। नॉलेज बाइट्स। आर्कटिक टर्न ट्रेवल्स अ डिस्टेंस बिटवीन द आर्कटिक एंड एंटार्कटिक ट्वाइस अ ईयर। वन टर्न ट्रेवल्स नियरली 15,000 किलोमीटर, येट मैनी टर्न्स गो इवन फर्दर। तो यहाँ आर्कटिक की बात की गई है कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। इट्स 15,000 किलोमीटर इन वन टर्न। तो यह इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो माइग्रेशन पर बात करते हैं। हम ऑलरेडी माइग्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। माइग्रेशन होती है कि जब हम एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाएँ। सम एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर। देखो, हम कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, जैसे रेगिस्तान या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, साल के 12 महीने बर्फ़ ही रहती है और ठंड में तो और भी ज़्यादा ठंड हो जाती है। बिल्कुल शरीर को बिल्कुल बर्फ़ की तरह जमाने वाली सर्दी वहाँ पर मिलती है, जैसे पोलर रीजन, आर्कटिक रीजन। तो ऐसी जगह पर जो पक्षी या फिर जानवर हैं जो इतनी ठंड को नहीं सह सकते, वो क्या करते हैं? कुछ समय के लिए उस जगह को छोड़कर बाहर आ जाते हैं दूसरी जगह पर। तो इसे माइग्रेशन कहा जाता है। दिस मास सीजनल मूवमेंट इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो यहाँ पर मास सीजनल मतलब कि मास, वो सभी के सभी प्राणी इकट्ठे निकलते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सीजनल मतलब सीजन वाइज, ऐसा नहीं कि वो परमानेंट रहने के लिए आए हैं, कुछ समय रहने के बाद वो अपने वापस अपने प्लेस पर चले जाते हैं, इसे ही माइग्रेशन कहा जाता है। एनिमल्स माइग्रेट टू एस्केप हार्श वेदर। तो बेसिकली वो क्यों उस जगह को छोड़ते हैं? एस्केप मतलब जो पुरानी जगह है, क्योंकि हार्श मतलब बिल्कुल ही तड़पाने वाला वहाँ पर मौसम होता है, इस वजह से वो वहाँ उस जगह को छोड़ देते हैं। फूड एंड वाटर आर समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड व्हेन द वेदर इज़ टू कोल्ड और टू हॉट। तो हम कह सकते हैं कि अगर जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, वहाँ पर खाना नहीं मिलेगा, सभी जीव, छोटे मोटे जीव सभी मर जाएंगे। तो ऐसे समय पर जो बड़े जीव हैं वो कैसे रहेंगे? इसी वजह से उन्हें माइग्रेशन करना ही पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। इट इज़ अमेजिंग दैट देयर मूवमेंट पैटर्न्स आर ऑलवेज प्रिसाइज एंड विदाउट एनी डेविएशन। तो उनकी जो मूवमेंट होती है वो कोई सोच समझ के नहीं होती, वो डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं। कई बार तो वो सन को फॉलो करते हैं और आप सोचते होगे कि इतने किलोमीटर, कई किलोमीटर का सफ़र तय कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वापस फिर से अपने घर चले जाते हैं। वो भटकते क्यों नहीं है रास्ता आसमान में भटक, जैसे हवाई जहाज हैं वो भी आसमान में उड़ते हैं, कई बार रास्ता भूल जाते हैं,
तो वो सिग्नल्स भेजते हैं। इस तरह से पक्षियों में कभी भी ऐसी दुर्घटना क्यों नहीं होती, क्यों नहीं वो अपनी आने और जाने की जगह को भूलते? क्योंकि कहा जाता है कि कुछ ये डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, जैसे सन को, कि इस टाइम सन यहाँ पर है तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो कहा जा सकता है काफ़ी इंटेलिजेंट पक्षी होते हैं ये, और इट इज़ अमेजिंग दैट देयर मूवमेंट पैटर्न्स आर ऑलवेज प्रिसाइज एंड विदाउट एनी डेविएशन। इस तरह से इनकी जो मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही प्रिसाइज, मतलब बहुत ही एक्यूरेट होती है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो आप यहाँ देख सकते हैं आर्कटिक टर्न, आर्कटिक टर्न कुछ तरह के पक्षी होते हैं स्पेशली, वो कितना रास्ता कवर करते हैं 15,000 किलोमीटर का, इम्पॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको पहले भी बताया कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। फिर साइबेरियन क्रेन, क्रेन होता है एक तरह से बगुला, तो यहाँ बगुले को भी देख सकते हैं कैसे वो साइबेरिया, एक्चुअली एक कंट्री का नाम है, ये साइबेरिया से उड़कर आते हैं इंडिया में, और इंडिया में भी ये हरियाणा के आपको हरियाणा में भी देखने को मिलते हैं सुल्तानपुर में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइबेरियन क्रेन हमारे यहाँ मेहमान की तरह आते हैं और फिर कुछ समय बाद वापस चले जाते हैं। तो साइबेरियन क्रेन इज़ द मोस्ट कॉमन माइग्रेटरी बर्ड, तो मैंने आपको जैसे बताया यह सबसे कॉमन माइग्रेशन में जब भी बात की जाए तो इस बर्ड का नाम ज़रूर लिया जाता है। ये हर साल आते हैं जब साइबेरिया में, बिल्कुल अभी सर्दियाँ हमारे यहाँ पड़ेंगी, तो जब साइबेरिया में सर्दियाँ पड़ती हैं तो वैसे ही वहाँ पर सारा साल सर्दी रहती है, तो सर्दियों टाइम और भी बर्फ जम जाती है, जिसके कारण ये वहाँ पर रह नहीं पाते और फूड और जगह की तलाश में इंडिया में आ जाते हैं। इट कम्स टू इंडिया टू ब्रीड इन विंटर बिकॉज इट इज़ मच वार्मर हेयर देन इन साइबेरिया। तो जैसे मैंने आपको बताया इंडिया में ये कब आते हैं, सर्दियों के समय, क्योंकि वहाँ पर सर्दियों में और भी सर्दी होती है, बर्फ गिर रही होती है, जिसके कारण ये वहाँ नहीं रह पाते और यहाँ बेसिकली ब्रीड मतलब प्रजनन के लिए आते हैं ताकि अपने अंडे दे सकें। इसी वजह से ये कौन से मंथ में आते हैं, याद रखना विंटर मंथ में, सर्दियों के समय। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन शब्द है कि जब हम कहाँ चले जाएं, हम एक लंबी सी स्लीप में चले जाएं, और इस स्लीप को हम कहते हैं विंटर स्लीप। सर्दियों के समय आपने देखा है कि छिपकलियाँ वगैरह नहीं दिखाई देती, कहाँ चली जाती हैं, वो सो जाती हैं, और सर्दियों के समय जब वो छिप कर बिल्कुल इनएक्टिव हो जाती हैं तो उसे विंटर स्लीप या फिर हाइबरनेशन कहा जाता है। सम एनिमल्स गो इन टू हाइबरनेशन और लॉन्ग विंटर स्लीप ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, जब बिल्कुल ठंड होती है तो छिपकलियाँ नहीं दिखती, लिजार्ड नहीं दिखती, वो कहाँ चली जाती है, हाइबरनेशन में, जिसका मतलब है विंटर स्लीप। तो ड्यूरिंग विंटर मंथ्स व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड एंड देर इज़ लिटिल फूड अराउंड द सम एनिमल्स लाइक माइस स्क्विरल्स कर्ल अप इन देयर होल्स एंड गो टू स्लीप फॉर मंथ्स। तो जब सर्दी के समय बहुत ही कम भोजन होता है तो कुछ पशु पक्षी और इवन पशु पक्षी नहीं बेटा कुछ जीव माइस जैसे चूहे जैसे गिलहरी या फिर लिजार्ड वो छिप जाते हैं। छिपने का कारण यह है कि वो ऐसे मौसम में बाहर नहीं अपना भोजन तलाश सकते, इसी वजह से वो गर्मियों में अपना भोजन स्टोर करते रहते हैं। जैसे चींटियाँ भी हैं, चींटियाँ भी क्या करती हैं, छिप जाती हैं। तो दे ईट इनफ फूड ड्यूरिंग समर टू बिल्ड अप अ स्टोर ऑफ बॉडी फैट विच लास्ट देम थ्रू द विंटर। इस तरह से वो अपनी बॉडी में फैट होती है वसा, जो एनर्जी देती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देती है, तो अपनी बॉडी में इसको स्टोर कर लेते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक विंटर स्लीप में रह सकें और बाहर उन्हें ना निकलना पड़े। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।